रीवा प्राचीन समय से संस्कृति से जुड़ाव रखने वाला अध्यात्म का पुरातन केंद्र रहा है। आदि शंकराचार्य की शरण स्थली पचमठा मंदिर रीवा को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। यह स्थान आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान शिव का बेहद प्राचीन मंदिर स्थापित है, जहाँ आस्था और भक्ति में डूबे भक्त इस मनोरम स्थान में शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया है। जानकारों के मुताबिक तकरीबन 1200 वर्ष पहले सनातन धर्म की स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य देशाटन पर निकले थे। चार मठों की स्थापना के बाद वह 1818 ईस्वी में रीवा आए। उस समय पचमठा मंदिर के पास ही उन्होंने अपना आश्रम बनाया था और यहीं पर रुके थे। यह स्थान उन्हें बेहद प्रिय लगा था। बिहर नदी के तट पर उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। उस दौरान इस क्षेत्र में बौद्धों की संख्या अधिक थी। यही शास्त्रार्थ कर उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि रीवा में पांचवें मठ की स्थापना होगी। 1886 में कांची काम कोटी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अपने उत्तराधिकारी विजेंद्र के साथ आए थे। उन्होंने भी कहा था कि आदि शंकराचार्य के भ्रमण में रीवा का प्रवास और पांचवें मठ की स्थापना का प्रमाण मिलता है। अब इस स्थान के महत्व को देखते हुए सरकार ने भी यहां के मंदिर और नदी के तट को और विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसके तहत पचमठा मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है और रिवर फ्रंट बनाकर इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाया जा रहा है। यह काम लगभग अब पूरा हो चुका है। पांचवा मठ कहलाता है। चार मठ भारत के कोने कोने में है, पांचवा मठ ये है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी चतुर्मासा बिताने आते थे। यहाँ रहते थे वो, यज्ञ अनुष्ठान सब होता था, रुकते थे और आज भी राजघराने से पुजारी यहाँ आती है। अच्छा। और ये बहुत प्राचीन स्थल है।